पॉजिटिविटी। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड हमले में वीर गति को प्राप्त असम के जवान का पार्थिव शरीर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पहुंचा। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर के गढ़वाल में अपनी ड्यूटी में तैनात शहीद मृत्युंजय चेतिया का पार्थिव शरीर आज सुबह डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पहुंचा। शहीद सीआरपीएफ जवान मृत्युंजय चेतिया कश्मीर के गढ़वाल में अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते समय आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंके जाने से मुखमंडल पर लगने से बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल किया गया, मगर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। शहीद मृत्युंजय के पार्थिव शरीर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पहुंचने पर सीआरपीएफ वाहिनी ने सामरिक मर्यादा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। गमगीन माहौल में शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव लकवा धीमाजी एक कारवा के साथ ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया जाएगा। हमारे दर्शकों को बता दें कि केवल 2 वर्ष की अवधि में अपने कार्य क्षमता के बल पर कश्मीर के आतंकवाद घोषित इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे जवान के शहीद हो जाने से परिवार के लोगों के साथ साथ समूचे इलाका शोक में डूब गया है। शहीद कांस्टेबल मृत्युंजय चुटिया 115वीं वाहिनी गंदरबल में तैनात थे, जो कि जम्मू कश्मीर का एक उपद्रव ग्रस्त आतंकवाद ग्रस्त इलाका है। दिनांक 23 दिसंबर को करीब संध्या 4:30 बजे जब ये अपनी सेवा देश के लिए दे रहे थे, एक ग्रेनेड अज्ञात आतंकवादियों द्वारा इनकी तरफ में फेंका गया, जो कि फटने के कारण से इनके मुख पृष्ठ में लगा और उसके कारण से रक्तस्राव हुआ और इनको तुरंत सौरा इंस्टीट्यूट श्रीनगर में ले जाया गया, जहां पर कि दिनांक 24 दिसंबर को संध्या करीब 5:30 बजे इनका देहावसान हो गया और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इनका गृह स्थान ग्राम लखुआ खुलाजान धेमाजी है और इनका पार्थिव शरीर को अभी श्रद्धांजलि देने के बाद में गृह स्थान पर ले जाया जा रहा है। एनवी न्यूज़, एरे ऑफ पॉजिटिविटी।